फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आज मैंने पूरा अपना एलवी स्ट्रीम नहीं कर पाई, बिकॉज इसीलिए कि मेरा आज नेट बाबा जी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है। सुबह से जैसे मैंने उठ के देखा कि मेरा नेट पूरा एकदम गोल है, तो मुझे लगा कि मैं आज तो फिर एलवी नहीं कर पाऊँगी, तो इसीलिए मैंने चला गया फिश मार्केट। वहाँ पे जाके फ़िश लेके आया, हिरचा फिश लेके आया, और थोड़ा थोड़ा काम था, सोचा कि कर ही लेती हूँ, जब ये काम नहीं कर पाई तो वो काम कर लेती हूँ। और उसके बाद फिर मैंने खाना बना, अभी तो नहीं बनाया, अभी सुबह ब्रेकफास्ट किया मैंने, अभी ब्रेड, केला, फिर बटर देके ब्रेड खाया हूँ, अंडा बॉयल खाई हूँ बस। अभी मैं लंच बनाऊँगी। और जानते हैं, आज मेरा लंच बनाने में बहुत लेट हो गया। आज कितना टाइम हो गया, 1:30 बज गया, फिर भी मेरा लंच अभी तक नहीं बना। बिकॉज किस लिए नहीं बना, क्योंकि उसका रीज़न मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो अभी मैं जा रही हूँ किचन में। कितना अच्छा फ्लावर्स है, देखिए गाइस, मुझे बहुत पसंद है ऐसा फ्लावर्स, बहुत ज़्यादा होता है, आज तो उतना नहीं हुआ। और यहाँ पे गाइस मैंने एक मिर्चा का पेड़ लगाई थी, और थोड़ा सा मिर्चा का 2-4 दाना ही दे दिए थे, और देखो कितना अच्छा पौधा आया है इसमें। और है यहाँ पे एक, ये है तो आपको पता है, ये हल्दी का पेड़ है, और ये हल्दी हमको लगता है ऑलमोस्ट ये अंदर पर बन गया है, और इसको अभी उखाड़ के निकलना है। और आपको तो ये पता ही, ये मेरा सबसे पसंदीदा पेड़ है, इस पेड़ का नाम है लेमन ग्रास। मैं चाय का जब बनाती हूँ आपको एक, मेरा यहाँ पे एक नया मेहमान है, उसके साथ आपको इंट्रोड्यूस कराऊँगी। वो हमारी फैमिली का एक हिस्सा बन चुकी है अभी, और अभी नहीं दिखाऊँगी, बाद में दिखाऊँगी। और वो मुझे कैसे मिला वो भी मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी बता के। तो चलिए अभी किचन में जाते हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी खाना बनाना है। अभी 1:30 बज गया, और किस लिए मेरा लेट हुआ है आज खाना बनाने में या सब कुछ करने के लिए, वो मैं आपसे ज़रूर शेयर। अभी जो फिश, हिलचा फिश खरीद के लेके आई हूँ, वो मैं बनाना शुरू कर दूँगी अभी। देखो मैं अभी सब फिश बनाना शुरू कर दूँगी। ये सब अभी मैं बना लूँगी, झटपट करके बना लूँगी। और इसको पहले मैं थोड़ा सा नमक और हल्दी देके इसको थोड़ा सा मैरिनेट करके लूँ, रख दूँगी कुछ देर तक। इसको अभी हल्दी नमक लगा के रख देती हूँ, बाद में इसको बनाऊँगी। इसको फ्राई नहीं करूँगी, इसको कच्चा ही बनाऊँगी। तो इसको ऐसे ही रख देती हूँ, अभी थोड़ा सा हाथ धो लेती हूँ मैं। अभी मैं क्या करूँगी, बैंगन और आलू से बनाऊँगी इसको। आप लोग तो ऐसा खाए ही होंगे, मुझे बहुत पसंद है। मुझे बहुत पसंद है बैंगन आलू से इलिश मछली, फिर कच्चू से, मतलब जो गाठी कच्चू होता है ना, बंगाली लोग जो खाते हैं उससे, फिर ऐसे सब्जी देके भी बहुत अच्छा बनता है हिलशा, फिर कच्चा केला से। आप लोग भी बनाते हो ना ऐसा? और मैं ऐसे करके बैंगन ले लूँगी अभी सिर्फ। ऐसे काट के आपको मुझे वो सरप्राइज़ जब आप दिखाऊँगी ना आपको, आप सोचोगे कि कितना अच्छा सरप्राइज़ है वो। और उसी के चक्कर में आज मेरा इतना लेट हो गया।
और नेट का तो भरोसा नहीं है मेरा, तो यहाँ पे सेल का जगह है ना, तो यहाँ पे रिलायंस का, जियो का जो अभी कोई क्या आया है, जियो का जियो फाइबर वो नहीं है, क्योंकि ये सेल के जगह में नहीं लगता है ये। जिस दिन गाइस हम लोग छुट्टी लेते हैं उस दिन सोचते हैं, जिस दिन हम लोग का छुट्टी रहता है उस दिन सोचते कि आज हम ये काम करेंगे, ये करेंगे, प्लान कुछ दूसरा रहता है, हो जाता है कुछ दूसरा। तो मेरा भी आज ऐसा कुछ हुआ, जैसे सुबह सुबह नेट नहीं चल रहा था तो मैंने सोचा कि आज थोड़ा सा बहुत सारा काम है, करेंगे वो सब काम करेंगे, बट मेरा एक काम की जगह दूसरा काम भी आ गया है और वो जो काम है वो देख के आपका मन पूरा खुश हो जाएगा आज। तो इसको मैं ऐसे करके रख दूँगी अभी और कढ़ाई में दूँगी तेल और मैं फिर क्या करूँगी, फिर मैं इस तेल को थोड़ा सा गर्म होने दूँगी, थोड़ा सा गर्म हो जाएगा ये तेल। तो ऐसे करके पूरा खाना बना लूँगी और खाना बना के आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने आज एक इतना अच्छा मतलब लेट हो गया। और देखिए बारिश भी आने वाला है और मेरा यहाँ पे बारिश आना मतलब आप सोच लो कि मेरा नेट कनेक्शन एकदम नहीं रहता है, ठीक है ना। और दूसरा बात, मेरा वॉशिंग मशीन जो है वो भी थोड़ा सा ब्रेक डाउन हो गया, उसका भी आदमी आने वाला है सर्विस सेंटर से, लेकिन मैं उसको दो दिन से घुमा रहा हूँ कि आज मत आओ, कल मत आओ, परसों मत आओ। तो ऐसे ही बात है सब, घर में एक काम मैं दूसरा के लिए रखा था और दूसरा एक काम मेरे पास आ गया, लेकिन उस काम से मेरा बेटा बहुत खुश है। तो इतना मैं बोल रहा हूँ, आप सोच ही रहे होंगे कि क्या ये बोल रही है। इसको थोड़ा सा मैं फ्राई कर लूँगी, तो आपको उसके साथ इंट्रोड्यूस कराती हूँ कि कौन है वो। ये देखो मेरे घर का नया मेहमान, टिटू मिठू 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 मिठू। तो देखो मिठू यहाँ पे कौन दिख रहा है, मिठू देखो मिठू देखो मिठू देखो मिठू। तो मिठू को मैं इंट्रोड्यूस कराती हूँ, देखिए इसका नाम है मिठू और इसके लिए आज मेरा खाना बनाना इतना ज़्यादा मीठू के लिए लेट हो गया, तो मेरा मीठू के लिए लेट हो गया, तो मीठू 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 के लिए। और जानते हैं इसको मुझे कैसे मिला, वो मैं आपको नेक्स्ट वाला वीडियो में दिखाऊंगी, अभी तो फिलहाल आप इसे देखिए। और जानते हैं मैंने इसके लिए क्यों मीठू मीठू क्या उमो मीठू मीठू मिठू 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 मिठू। देखे कितना अच्छा से ये बोलते हैं, ये इतना अच्छा से कैसे बोलते हैं, क्योंकि मैं आप सोच रहे होंगे कि मैंने तो इसको इतना अभी लेके आई हूँ, ये मिठू बोलना कैसे सीख गए हैं। तो इसका राज मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, तो आपको पता चल जाएगा वो मिठू मिठू मिठू। देखे क्यों बब्बा क्या हुआ चुना। तो ये बात है मिठू का राज, इस मिठू के लिए मेरा खाना बनाना आज लेट हो गया, क्योंकि मिठू का एक बहुत बड़ा मिस्ट्री है, ठीक है ना। और इस मिठू के लिए मैंने अभी चना दिया है, मिठू सुबह से क्या क्या खाए है बाबू, मिठू मेरा मिठू तुम क्या खाए हो, क्या खाए हो मिठू, बोलो 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 बोलो। देखिए कितना अच्छा से ये मिठू, बाबू देखो इधर आओ, इसको तो बहुत शौक था लेकिन भगवान ने इसको
मतलब मेरे पास भेज दिया है, और मेरे बेटा को इतना अच्छा गिफ्ट, वो भी सरप्राइज गिफ्ट मिल गया इसको, मिठू को मिल गया मुझे। हाँ, तो इसके मिठू बहुत अच्छा है और इसका नाम मिठू ही है। मुझे जो पता चला, मिठू है ना, मिठू मिठू नाम है। अच्छा, मिठू है, मेरा मिठू का नाम मिठू है, मिठू है, मिठू है, मिठू है। हाँ, देखिए कितना प्यार लगता है ये। तो इसीलिए इसको मेरा लेट हो गया आज, ठीक है ना। और मैं आपको बताऊंगी कि इसका नाम मिठू कैसे पता चला मुझे, मैंने लेकिन इसका नाम मिठू नहीं दिया। और वहाँ पे मेरा खाना जल रहा है, चलिए मैं आपको दिखाते थोड़ा सा फ़ैन बंद कर देता हूँ, दिखाते ये मेरा जल गया है, देखिए थोड़ा सा, कुछ नहीं होगा, हमको ही तो खाना है। और उसके बाद मैं अभी डालूँगी इसके अंदर उसी तेल में, मैं लेकिन मछली को फ्राई नहीं करूँगी क्योंकि एकदम फ्रेश मछली है, तो इसको फ्राई करना ज़रूरी नहीं है। और मैं इसको ऐसे ही रख दूँगी, थोड़ा सा इसको होने दूँगी। और मैं एक कटोरी में अभी क्या करूँगी, थोड़ा सा जीरा ले लूँगी, जीरा पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा नमक, ये सब ले लूँगी। और लेके मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा इसके अंदर पानी डालूँगी। कितना अच्छा लगता है ना गाइस आवाज़ होने में। और इसको मैं क्या करूँगी, इसके अंदर डाल दूँगी, थोड़ा सा फ़ैन चला देती हूँ बहुत, और फिर थोड़ा सा पानी में डाल दूँगी इसके अंदर। और थोड़ा सा पानी डाल, डुकू मत करो ऐसा, उतना मत करो, ऐसा कर लिए इसके अंदर। अभी थोड़ा सा मैं इसके अंदर कलर के लिए थोड़ा सा कश्मीरी रेड चिली पाउडर मैं अभी इसके अंदर थोड़ा सा डाल दिया, वो हरा मिर्चा डालूँगी इसके अंदर अभी नहीं। और अभी मैं क्या करूँगी, इसके अंदर जो जो मैंने काट के रखा था वो सब डाल दूँगी इसके अंदर। और उसके साथ ही मैं यहाँ पे फिश ऐड कर दूँगी, इधर डालूँगी हरा मिर्चा, आपको जितना मन चाहे आप डालो, मैं तो के अंदर डालूंगी। आपको अगर इसको इसके अंदर सरसों पीस के भी देना है तो आप दे सकते हो, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता है ज़्यादा सरसों वरसों खाने से ना, गैस वैस हो जाता है, तो हल्का ही अच्छा लगता है मुझे। और मेरा बेटा को ना मास्टर सीड्स का पेस्ट उसको ज़्यादा पसंद भी नहीं है, इसलिए मैं, आप चाहो तो आप इसमें डाल सकते हो। तो मैं ऐसा करके इसको अभी अच्छा से ढक दूंगी, अच्छा से ढक दूंगी और इसको होने के लिए छोड़ दूंगी। अभी आप मेरे साथ घर आओ। क्यों करके मुझे मिला, कैसे मिला, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वाला वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, ठीक है ना। और आप देखोगे, लेकिन मुझे जो लगता है कि मेरा जो ये मिठू है ये किसी का पाला हुआ मिठू है, ठीक है। और ये मिठू को तो पता नहीं है, किसी के घर में अलग से रहता था ये, तो इस मिठू को ना, मतलब ये कहीं पे हो सकता है घर से पिंजरा से ये निकल गया होगा, किसी वजह से हो सकता है ये निकल के उड़ गया, उड़नछू हो गया। अब इसको पता नहीं कि ये अपने फ्रेंड लोग तो इसका झुंड वुंड है नहीं, तो ये क्या किया था ना, मेरा मेड जो आता है काम करने के लिए, तो बस उसके वहाँ से मुझे मिला। अभी और मैं नहीं बताऊँगी, ठीक है ना, मेरा इतना इंटरेस्टिंग। कल के वीडियो के लिए वेट कीजिए, और कल के वीडियो में मैं ज़रूर आपको दिखाऊँगी कि मुझे ये मीठू कैसे मिला। और इसका नाम मीठू है, जब मैं इसको दूसरा नाम दे दिया था ना, तो मैं इसको दूसरा नाम से बुला रहा था, तो वो मीठू मुझे नाम पता ही नहीं चल रहा था कि ये मीठू, लेकिन मैं इसको जैसे मीठू बोला ये तुरंत बोलना शुरू कर दिया कि मीठू मीठू मीठू, तब मुझे पता चला कि इसको बोलना भी आता है, हे भगवान, तब से मैं इसको मीठू करके बुलाता, नहीं तो मैं इसका नाम दूसरा टीटू रखने वाली थी। तो जब से मैंने इसको टीटू बोली तो ये कुछ आवाज़ नहीं किया, जैसे मैंने इसको मीठू बोली कि मीठू, ये तुरंत आपको भी आवाज़ सुनाई दिया ना, इन्हें मीठू बोला,
और ये माँ बहुत अच्छा से बोल लेता है, माँ, तो ये भी माँ बोल लेती है, तो मतलब बहुत अच्छा है। तो ये मैं आपको कल के एपिसोड में बताऊंगी, ठीक है ना। पहले मैं क्या करूंगी, वही जो है सबको पता है कि हिलशा फिश में लास्ट में थोड़ा सा कच्चा सरसों तेल देना पड़ता है, और गैस को थोड़ा सा सीम करूंगी मैं, और इसको थोड़ा सा चला के मैं अभी ढक दूंगी। तो ऐसा है, मेरा आज मूवी का फर्स्ट एपिसोड आ गया है आपके पास। ये देखिए मेरा हिलशा फिश कैसा बना, बोलिए। अभी मैं इसको खाऊंगी, देखिए कितना अच्छा। तो गाइस, खाना तो बन गया, बेटा को बुला लेती हूँ अभी। बाबू बाबू आ जाओ, और बेटा से शुरुआत करती हूँ, लेकिन मुझे बहुत ज़ोर से प्यास लग गया। नींबू लो। तो गाइस, मैं खाना शुरू कर रही हूँ। बाबू खा के थोड़ा सा बताओ कैसा बना, और फिर मैं आपसे मिलती हूँ।